change of scale property. First of all, what is the property? I'll explain that here. It's written over here. If Laplace of a function t is some function s, then Laplace of function a t is 1 upon a function s upon a. ये change of scale property बोलते हैं. Property को पहले समझने से पहले words का मतलब समझते हैं. Change of scale. If you remember scale word हम लोग कहाँ use करते हैं? Scale is our foot ruler. Scale हम लोग geography में axis लिखने के time पे लिखा करते थे. On scale. Scale का मतलब होता है multiplication factor. दो time multiply किया तो two time scaling कर दिया आपने. हाफ टाइम मल्टीप्लाई किया इसका मतलब आपने आधा कर दिया उसको. स्केल मींस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. आप जितना मल्टीपल यहां डालेंगे उतना स्केलिंग होगी. तो व्हाट इज सेड ओवर हियर इज एक फंक्शन का लैपलास अगर पहले से पता है, इफ अंदर स्केलिंग आ जाए मतलब टी पर कोई मल्टीप्लिकेशन आ जाए, इन दैट केस हमें नया लैपलास नहीं करना पड़ेगा, प्रीवियस लैपलास ही आंसर बन जाएगा. But the only change we have to make is, there are two changes. सबसे पहले function से पहले we'll have to write 1 upon a. और दूसरा function के inside जो भी s होगा, that s has to be changed into s upon a. अब ये एक problem करते हैं तो उसे समझ में आएगा. Examination में they may not write, do it by change of scale property. Question कुछ ऐसा रहेगा, जैसे question 24 है. They are asking us to obtain Laplace of function 3t. And Laplace of a function t is given. So how are we going to use that? वो समझते हैं. पहली बात तो function ही नहीं पता है क्या है जिसका Laplace हुआ है. Actually we don't need to know कि function क्या था जिसका Laplace ये बन गया है. That is not required. हाँ, किसी function का Laplace given to us. Now on that basis we have to find out function of 3t. See there is a scale of 3. 3 value का scale है. तो कैसे solve करेंगे देखते हैं. So I am writing here we have. First of all, writing what is Laplace of function t given to us. जो Laplace of function t है, वो मैं use कर लेता हूँ पहले तो. We have Laplace of function t. Then I'll just mention a statement by change of scale property. Change of scale property से Laplace of function of 3t. Laplace of function of 3t. What does that become? पहले मैं वापस फॉर्मूला पे जाता हूं. द फॉर्मूला वाज टेलिंग अस अगर लैपलास ऑफ फंक्शन at या फंक्शन 3t फंक्शन at, व्हाट वी हैव टू फर्स्ट थिंग राइट इज 1 अपॉन a. वी हैव आइडेंटिफाइड द a वैल्यू. यहां a, यहां पर वो चीज 3 है. तो वी हैव टू फर्स्ट थिंग राइट इज 1 अपॉन 3. व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद उसने कैपिटल f s अपॉन a, ये भी आइडेंटिफाई करते हैं. पहले इफ यू सी ओवर हियर लैपलास ऑफ फंक्शन t इज कैपिटल fs, और ये आंसर में भी कैपिटल एफ है. कैपिटल एफ मींस द आंसर्ड फंक्शन. ये क्वेश्चनड फंक्शन है स्मॉल एफ. इसका लैपलास होकर जो आंसर आता है इसको कैपिटल एफ एस बोलते हैं. ये फंक्शन एस है. तो इन द आंसर्ड फंक्शन आपको एस के अंदर चेंज करना है. फंक्शंस में जहां भी एस है, वेयर एवर देयर इज एस, वो सारे एसेस को चेंज करके बना देना है एस अपॉन ए. इन दिस केस इट इज एस अपॉन 3. तो व्हाट आई वुड डू इज मैं ये पूरा फंक्शन यहां पर कॉपी कर देता हूं. सेम फंक्शन, मुझे सिर्फ चेंजेस क्या करने पड़ेंगे. 20 माइनस 4 एस लिखा है बट आई विल हैव टू राइट एस अपॉन 3. डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर, वी शुड राइट एस अपॉन 3 द होल स्क्वायर. माइनस 4 इनटू आई विल राइट एस अपॉन 3. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. इट्स अ वेरी इजी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ने बोला है कि सेम आंसर रहेगा. जो फंक्शन टी का आंसर था वही आंसर यहाँ रहेगा. हाँ, बट डू वन थिंग दैट जितने एस है जहां भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वेरेवर इट इज, जितने ऐसे दे ऑल विल चेंज इनटू एस अपॉन ए, एस अपॉन ए, एस अपॉन बी. एंड वन मोर थिंग, पहले ही स्टार्ट में 1 अपॉन ए का मल्टीप्लिकेशन करना है. सो दैट इज व्हाट वी गेट द आंसर. बस इसको सिंपलीफाई करना है. सिंपलीफाई कैसे करेंगे वो देखते हैं. वी हैव 1 अपॉन 3, वी राइट इट एज 20 माइनस 4s डिवाइडेड बाय 3 अपॉन डिनोमिनेटर s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4s अपॉन 3 प्लस 20. टू सिंप्लीफाइड आई वुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 आई गेस. तो फ्रैक्शन हट जाएगा. इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, तो बिकॉज इसका हाईएस्ट डिनोमिनेटर 9 है, अगर मैं सबको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ
तो आई थिंक सारे फ्रैक्शंस हट जाएंगे. तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 9, सी व्हाट आई गेट. 1/3 तो राइट नाउ मैंने ऐसे ही रखा है. 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर बिकम 180 माइनस, सी 9 2s are 180. 9 जाके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर 9 4s are 36 बट डिवाइड बाय 3 है, तो इट बिकम्स 12s. Upon denominator, if I multiply 9 in the denominator, it is 9 square upon 9, which become s square minus. In with 4s upon 3, when you multiply by 9, it become 12s. And 20 ko multiply by 9 is 180. Then eventually 3 bhi cancel out kar sakte hain with the numerator. 180 se 3 divide hota hai, to get 60. 12 se 3 divide hota hai, to 4s. And upon denominator s square minus 12s plus 180. So this was only a simplification step. Actually Laplace तो यही stage पर हो गया. ये पहले ही step पर Laplace finish हो जाता है. ये property की अच्छी बात क्या है कि आपको खुद को कोई Laplace नहीं करना पड़ेगा. Given Laplace को ही use करना है. Given Laplace में सिर्फ s's को change करना है into s upon a. और बाहर लिखना है एक 1 upon a. After that what I have done is a simplification step. बस ये फ्रैक्शन हटाने के लिए आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 सो दैट आई कुड गेट रिड ऑफ फ्रैक्शन. उसके बाद 1/3 भी यहाँ कॉमनली मैंने कॉमन लेकर यहाँ से कैंसिल कर दिया. सो दिस बिकम द आंसर लैपलास ऑफ फंक्शन ऑफ 3t. बेयर इन माइंड एग्जाम में ये लिखा नहीं आएगा, डू इट बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. आपको क्वेश्चन समझना ऐसे है कि फंक्शन t का लैपलास गिवन है तो फंक्शन एनी t लैपलास कैन बी फाउंड आउट. सिमिलरली वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 25. If Laplace of sine root t is given, sine root t का पता नहीं कैसे Laplace किया हुआ है, then it is asking us to find sine Laplace of sine 2 root t. तो यहाँ भी obviously there is only a scale change over here. तो इसको कैसे Laplace करेंगे? Let's learn. We have, I'll just first copy the Laplace question. Laplace of sine root t. यहाँ पर मैं copy कर देता हूँ. Then I will write by change of scale property. Change of scale property. यहाँ पर एक trap है, एक catch है, समझते हैं वो क्या. हमें चाहिए Laplace of sine 2 root t. The first thing we always need to identify a का value क्या है. है ना, function t के बाद हमें पता होना चाहिए a का value, function a t. जैसे यहाँ फंक्शन टी के बाद फंक्शन 3t था, ए का वैल्यू 3 था, तो वी कुड राइट राइट साइड एंड साइड जो भी आंसर है. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्रैप में फंसते हैं कि ए का वैल्यू क्या बोलेंगे. किसी को भी अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन का व्हाट इज द ए वैल्यू, दे वुड से दैट ए का वैल्यू तो 2 है सर. नो, ए का वैल्यू 2 नहीं है. अरे वेरी क्लियरली विजिबल है, ए का वैल्यू तो 2 ही दिख रहा है, कैसे 2 नहीं है. एक्चुअली ए इज ऑलवेज कोएफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी. रिमेंबर टी का मल्टीपल होता है. यहाँ पर जो 2 है वो t का मल्टीपल नहीं है, वो रूट टी का मल्टीपल है. तो यू कैन देन से कि सर सो व्हाट, फिर क्या करें हम लोग. तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि हमें ये सेम चीज वापस कॉपी करनी है. द थिंग इज आई हैव टू टेक 2 इनसाइड द स्क्वायर रूट. व्हेन आई टेक 2 इनसाइड द स्क्वायर रूट इट बिकम्स साइन ऑफ रूट ऑफ 4t. नाउ यू सी बोथ द थिंग्स आर सेम, बात तो एक ही है. बट अभी a का वैल्यू प्रॉपर आया बिकॉज a इज ऑलवेज रिमेंबर कोएफिशिएंट ऑफ t चाहिए, t का मल्टीपल होना चाहिए. यहाँ पर वो t का मल्टीपल नहीं था, रूट t का मल्टीपल था. लैपलास ऑफ फंक्शन t, लैपलास ऑफ फंक्शन a t, इट हैज टू बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ t. इसलिए हमें 2 को रूट के इनसाइड लेना पड़ा ताकि ये प्रॉपर a समझ में आ जाए. जब a यहाँ पर समझ में आ गया, अब लिख सकते हैं 1/4 इंटू. I will have to copy this same answer जो पहले उसने question में present किया है. Same thing I have to write. The only changes I need to make is जितने s है सब s को लिखना है मुझे s upon 4. Every s I'll have to write as s upon 4. That is what is asked over here. जितने s's है सबको change करके, तो हमने अगर इसको 2 समझ लिया ना a को, पूरा problem ही wrong हो जाएगा, answer right आएगा ही नहीं. ये a का वैल्यू एक्चुअली 2 नहीं है. अगेन आई टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग हियर, a वो होता है जो t का कोएफिशिएंट है, t का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, उसको स्केल बोलते हैं. तो स्केल वैल्यू 2 नहीं है, स्केल वैल्यू 4 है.
यहाँ कंफ्यूजन नहीं था बिकॉज इट वॉज वेरी क्लियर, देर वॉज नो स्क्वायर रूट, देर वॉज नथिंग ओवर हियर, तो टी का डायरेक्टली कोएफिशिएंट ही स्केल वैल्यू था. यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है साइन रूट टी, साइन टू रूट टी, हाँ टू इज द कोएफिशिएंट, हाँ टू कोएफिशिएंट है लेकिन रूट टी का है. We are never interested in the functions coefficient. We are always interested in t coefficient. So 2 ko humne root ke inside liya and made it 4t. Ab a identify hua, to 1 upon a likha. Fir ye same answer yahan copy kiya. Jitne aise that I change into s upon a's, s upon a. Teen jagah par aise hai. S, root s and e raised to ke power mein bhi. Sab maine changes kar diya. So what finally becomes the answer? Sab changes karne ke baad, let us see what is the answer. Equal to, I'm seeing over here, ये 4 और ये s upon 4 का 4, they cancel out. दूसरा, root of 4 is actually 2, which cancel out with this 2. So what remain is root pi, मैं same वापस copy कर देता हूँ. ये देखिए 4 और ये upon 4, ये दोनों cancel होता है. 2 and root of 4, ये भी 2 होता है, ये दोनों cancel होता है. Power में 4 e raised to के पावर में, e raised to के पावर में भी have e raised to minus s upon 4 और upon 4, यहाँ भी कैंसिल होता है, तो यहाँ रिमेनिंग हो जाता है एक्चुअली सिर्फ e raised to minus s. तो वी सी हियर सारे नंबर्स एक्चुअली कैंसिल आउट हो गए. वी हैव 4 upon 4 गेटिंग कैंसिल हियर, 2 एंड रूट 4 गेटिंग कैंसिल हियर, एंड इन द पावर एज वेल s upon 4 और ये 4, ये दोनों भी यहाँ पर कैंसिल हो जा रहे हैं. तो व्हाट वी गेट इज रूट पाई अपॉन एस रूट एस ई रेस टू माइनस एस. आंसर बहुत इजीली फाइंड हो जाता है. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि लिखना कैसे, वन अपॉन ए और जितने फंक्शन में एस होंगे सबके सब चेंज कर देना एज एस अपॉन ए, तो आंसर इजीली सॉल्व हो जाता है. एक्चुअली दैट इज वाई द रीजन ये प्रॉब्लम एग्जाम में आते नहीं है, एक भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली आगे जाकर टाइप्स के अंदर यूज होगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसीलिए अभी सीख रहे हैं हम लोग. इसका डायरेक्टली इसी का क्वेश्चन नहीं आता बिकॉज एक एक लाइन के सॉल्यूशंस तो है, तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क डायरेक्टली चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. हाँ, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट यूजफुल है, इसलिए अभी सीख लेना है हम लोग को, फिर आगे कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे. सी क्वेश्चन नंबर 26 ऑल्सो. इफ लैपलास ऑफ ई आर एफ, दिस इज कॉल्ड एज एरर फंक्शन, एरर एरर फंक्शन रूट टी इज 1 अपॉन एस रूट एस प्लस 1. ये पहले बहुत पहले ओल्ड सिलेबस में FE में हुआ करता था एक चैप्टर एरर फंक्शन. अभी तो सिलेबस में नहीं है बहुत टाइम से, लेकिन फिर भी उसके कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हमें एरर फंक्शन क्या है वो मालूम करने की जरूरत नहीं है. ओनली द लैपलास, वो भी एग्जाम में गिवन रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लैपलास ऑफ एरर फंक्शन रूट टी इज 1 अपॉन एस रूट एस प्लस 1, देन आस्किंग अस टू फाइंड लैपलास ऑफ एरर फंक्शन 5 रूट टी. वापस स्केल का चेंज आया, लेकिन स्केल को 5 समझा ये गलती हो जाएगी, बिकॉज ये साइन टू रूट टी जैसा प्रॉब्लम ही है. द स्केल इज नॉट 5, स्केल वो होता है जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो, टी का कोएफिशिएंट हो, तो आपको ये बात को यहाँ पर ख्याल करना है. तो वी राइट हियर, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लैपलास गिवन, पहले वो मैं लिख लेता हूँ, लैपलास ऑफ ई आर एफ रूट टी. देन आई शुड मेंशन द स्टेटमेंट बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. Should mention change by change of scale property. अब हमें find करना है Laplace of error function of 5 root t. ERF is error function. But 5 नहीं actually. मुझे यहाँ पर 5 को root के inside लेना है. When I take 5 inside the root, it will become 25. Laplace of error function of root of 25 t. This is a proper scale value. Scale value is 25. So the first thing I write 1 upon 25 into जो ऊपर लैपलास आंसर था वही मैं ले लेता हूं. आई हैव टू कॉपी द सेम, सिर्फ एस की जगह ये चेंजेस करने हैं कि भाई एस की जगह आएगा एस अपॉन 25, जितने भी एस है चाहे वो रूट के इनसाइड है रूट के बाहर है सबको मुझे चेंज कर देना है एस अपॉन 25. सो दिस बिकम एस अपॉन 25 एवरीवेयर. अब आंसर लिखते हैं. आंसर लिखने के टाइम थोड़ा सा केयर लें कैंसिलेशन के ऊपर. 25 अपॉन 25, दिस मच कैंसिल आउट. This 25 will cross multiply with 1. तो क्या टर्म बनता है जरा देखते हैं क्या. I'll just write the same thing over here. तो टर्म क्या बन जाता है देखते हैं. यहाँ पर तो कैंसिल होकर सिर्फ s रह गया. Only s remains. यहाँ पर 25 cross multiply हो जाएगा. मतलब it is going to be s plus 25 upon 25.
See, 25 will cross multiply with 1. So it becomes s plus 25 upon 25. Now denominator 25, ye denominator ka denominator hai. It can go in the numerator. Always remember, denominator ka denominator is actually a numerator. So numerator mein jaakar aur wo square root se bahar nikal jayega, it is going to become 5. 5 upon s root of. 5 upon s root of. It becomes s root of s plus 25. This is our answer. I'll repeat the step here. Maine yahan par 1 upon a kar diya, 25. Upar se ye answer same le liya, sirf s ko change kiya. S I write as s upon 25. S I write as s upon 25. Ye step likhne ke baad 25 upon 25 get cancelled here. Yahan sirf s bach jayega. So I have s over here, outside the root. Inside the square root, I have to cross multiply 25 with 1 so that I get a common denominator 25. So it is s plus 25 upon 25. फिर स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होने की वजह से वो सीधा न्यूमरेटर में चला जाएगा. इट बिकम 5 अपॉन s रूट s प्लस 25. सो दिस इज लैपलास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ 5 रूट t. सो दिस इज व्हाट वी सी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. क्वेश्चन 27 एक आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है दैट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. क्वेश्चन 21 सिर्फ 77 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फंक्शन t का लैपलास is given to us, log s plus 3 upon s plus 1. They are asking us to find Laplace of function 2t. So, very clearly, here is a value. There is no root root that you have to take inside and simplify. The a value itself is 2 here. So, it is a very straightforward question. I mean, answer likhne ke time pe, what we'll do is, here will come first, 1 upon 2, log same, plus 3 same, plus 1 same, khali s. Dono s's change hoke ban jayenge, s upon 2, s upon 2. Simplified, you should get the required answer. To bahut easy hoti hai change of scale property. Change of scale property sirf hame understanding ke liye chahiye tha. Iske questions actually aage aayenge ki exactly iske problems kaise